हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बंदे आज एक नए वीडियो के साथ। मैं आज अंडमान में बैठा हूँ। यहाँ पे अगर देखते हो तो मरीना पार्क में आया हूँ। मरीना पार्क में अगर देखते हो तो अभी फिलहाल मौसम बहुत अच्छा है, बारिश चल रही है, हवाएं चल रही है और लहरें भी अच्छी उठ रही है। यहाँ से सोचे थे सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जाए, जिसको पहले रॉस आइलैंड भी कहते थे, बट अभी वो आइलैंड का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस जी का नाम दिया है उसको। और उस पे जाने के लिए यहाँ पे से अगर बाय बोट फेयर लेते हो तो आपको 275 में पर हेड मिलेगा। वो भी जाने का, आने का 375, मतलब आपको पर हेड लगभग 700-800 रुपये लग जाएगा। तो ये जो मरीना पार्क है बहुत अच्छा है। फिलहाल बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ पे हवाएं चल रही है, कैमरा अपना हिल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत अच्छी दिखी रही है। मरीना पार्क कितना अच्छा है बच्चों के लिए या हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे एंट्री फीस नहीं है, कोई फ्री में है मरीना पार्क। और बारिश बहुत तेज़, मतलब हवाएं बहुत तेज है, बारिश तो इतनी है नहीं। आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, ये देखिए पूरी बारिश, ये हवा जो जोर जोर से चल रही है, ये देखिए हवाएं जोर से चल रही है। तो मैं आपको थोड़ा घूम के मरीना पार्क भी दिखा दूंगा। तो चलो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, इसके वजह से वीडियो आगे प्रोसीड नहीं कर पाया था, लेकिन अभी थोड़ा रिलैक्स है। तो ये मरीन पार्क है, यहाँ पे इतना अच्छा है कि आप घूम सकते हो रिलैक्स, ना कोई आपको चार्जेस देना है ना कुछ देना है। स्टैचूज भी बहुत सारे हैं, जैसे आप रविंद्रनाथ टैगोर जी का स्टैचू देख सकते हो यहाँ पे, और जो जो बड़े बड़े अपने नेता है उनके भी स्टैचूज है, फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज है। यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी अच्छा स्पेस दिया गया है। वहाँ पे एक स्टैचू है जो स्टैचू पूरा पत्थर से बना हुआ है, प्योर पत्थर से उसको तराश के बनाया गया है। तो मरीन पार्क एक अच्छी जगह है। वो इंडियन फ्लैग है, वहाँ पे होस्ट हो रहा है, अभी जाएंगे उधर ही जा रहे हैं। तो दिखाता हूँ आपको कैसा है क्या नहीं पोर्ट ब्लेयर, शायद आप भी ट्रिप प्लान कर सको। यहाँ पे इंडिया का पूरा मैप बनाया गया है, आप देख सकते हो वहाँ पे। ये यहाँ पे का ये स्टेडियम है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आगे में एक टैंक रखा है जो कि एक मेमोरी कर रखा गया है। टैंक दिखाता हूँ मैं आगे से, ओरिजिनल टैंक है जो कि थोड़ा सा है रस्ट, अभी ये ओरिजिनल टैंक है, शायद उस टाइम का यहाँ पे लिखा है वैजयंता मुख्य युद्ध टैंक। इस टैंक का नाम वैजयंता है, जो कि लड़ाकू 39 टन का टैंक है। ये अधिकतम 530 किलोमीटर दूरी, मुख्य तोप 105 मिलीमीटर, विमान भेद तोप है, और चार मेंबर्स इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार कमांड के तहत इसको अलाइन किया गया था। आप मजबूती देख सकते हो यहाँ पे, ये इसके जो व्हील्स में जो लगता है इसे, इसके माध्यम से किधर भी इजीली चलता है, ट्रैक कर सकता है। इसमें 4 मेंबर्स लगते हैं जो कि इसको पूरा ऑपरेट करने के लिए, एक ऊपर का तो ऑपरेट करता है तो एक क्रेन चलाता है, तो ऐसे 4 क्रू मेंबर्स इसको ऑपरेट करने के लिए लगते हैं। उसी तरीके से थोड़ा आगे जाए तो वहाँ पे एक स्टैचू है, आप देख सकते हो वो स्टैचू किसका है, गेस कर सकते हो यहाँ से। गेस करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ शेयर करो, औरों को भी सब्सक्राइब कराने लगा, जो कि ऐसे ही नई नई मज़ेदार वीडियो बनते रहे। ये स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस जी का, बहुत बड़ा स्टैचू है ये। इसके बाजू में यहाँ पे भी है,
परमवीर चक्र से सम्मानित है। उनका ये स्मारक है, यहाँ पे उन लोग के फोटोस नाम दिए गए। स्मारक देख सकते हो, परम दुश्मन के विरुद्ध थल जल या वायु सेना में अदम्य साहस या उच्च पराक्रम प्रदर्शित करने अथवा सर्वोच्च बलिदान देने के लिए केवल सैन्य कर्मियों को प्रदान किया जाता है ये स्मारक। तो गाइस, फोर्ट ब्लेयर एक ऐसी सिटी है घूमने के मामले में बहुत अच्छी सिटी है, बट आप अगर इधर स्टेबल होने का सोच रहे हैं तो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी महंगाई भी है। बट ये विशेषता ये है कि फोर्ट ब्लेयर ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छा जाना जाता है, ऐतिहासिक बहुत चीज़ें यहाँ पे हुई है। देखते हो तो यहाँ पे एक मेन लैंड फोर्ट ब्लेयर ही है, बाकी इसके सब लैंड्स हैं, बहुत सारे लैंड है। हर जगह जाने के लिए आपको यहाँ पे बोट ही मिलेगी, अदर तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, आप प्राइवेट बोट तो ले सकते नहीं हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, बट यहाँ पे जनरली प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है नहीं, गवर्नमेंट शिप्स है नहीं, प्राइवेट ही ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो बाकी चीज़ों में फोर्ट ब्लेयर जैसी चीज़ अभी तक है नहीं। बहुत अच्छे आते हैं, बहुत सुकून मिलता है दिल को, खाली एक चीज़ थोड़ी सी तकलीफ देती है दिल को कि जब आप कहीं पे रह रहे हो तो आपको वहाँ से अगर कोई भी नज़दीक में जाना आना है तो आपको बहुत चढ़ना या उतरना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है। बाकी चीज़ अगर देखते हो तो बहुत मस्त है, अगर परमानेंट रहने का थोड़ा भी सोच रहे हो तो बाइक इज मस्ट टू अंडमान निकोबार। तो गाइस चलो आगे करते हैं, आपको यहाँ से मैं आपको आप देख सकते हो वहाँ पे दिख रहे इंडियन फ्लैग, वो इंडियन फ्लैग दिखाऊंगा मैं आपको जाके, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाते रहूँगा एक से। तो गाइस अभी यहाँ पे घूमते घूमते एक चीज़ देखने को मिली, आप देख सकते हो यहाँ पे एक नल बनाया है और इसमें से पानी के तौर पर जो वेस्टेज बॉटल रहती है, हाँ जो वेस्टेज बॉटल्स रहती है उनसे ये बनाया गया है। आप देखो ये नल है, ये ऊपर का इसका नोजल रहेगा और इसको स्टैंड किया गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये बॉटल्स है पूरी, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से पानी नीचे गिर रहा है, तो ये वेस्टेज जो बॉटल है उसको यूटिलाइज कर ये बनाया गया है। ये व्यू आपको देखने को मिलेगा, अगर आप ये नोज़ल ऑन करते हो तो इसी तरीके से आपको पानी देखने को मिलेगा। थोड़ा यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है, और इसके जो लास्ट में है ये अर्थ है, जो कि अर्थ से पानी निकल रहा है या फिर कचरा निकल रहा है, ये ऐसी चीज़ बनाई गई है। सिर्फ आपको ये फ्लैट जो रास्ते हैं आपको समंदर किनारे ही देखने को मिलेंगे, बाकी तो है नहीं। यहाँ पे अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी दिख रहा है, अब तक आया जब से ये एक चीज़ मेरे को अच्छी देखने को मिली सिर्फ। अब इसको एक मुंबई का जो मरीन लाइन है उस तरीके से नाम दे सकते हो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा राउंड शेप में ही है। पब्लिक लिमिटेड है, व्यू भी अच्छा है, वो एक आइलैंड है, अलग आइलैंड। स्टूडेंट्स बहुत है क्योंकि यहाँ पे एक कॉलेज है, अभी एक स्टूडेंट मिला था वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, उसका भी चैनल है, उसका चैनल अंडमान किंग्स करके, पूरा स्टूडेंट प्लेस है। डॉक्टर राधा कृष्णन पार्क आगे, ये मरीना पार्क ख़त्म हो गए, उसके चलते चलते आगे राधा कृष्ण पार्क। तो आप यहाँ पे रहकर अगर फील करोगे ना जेन्युइन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू,
अभी हम लोग उधर से आए हैं, हम लोग पूरा घूम के उधर से आए, तो यहाँ से जाएंगे। बढ़िया, ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे आंग में करते आए जैसा। यहाँ पे स्टैचूज बहुत सारे हैं, अभी यहाँ पे आपको एक होरे का स्टैचू देखने पड़ेगा। चलो आपको अंदर से वो स्टैचू दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे ट्रैफिक तो है नहीं ज़्यादा, तो इजी जा सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमम गाड़ी टर्न हो रही है, तो फिर से हवाई चल रही है। यहाँ पे स्टैचू है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो स्टैचू है स्वामी विवेकानंद जी का। चलो गाइस, तो आपको एक अब मज़ेदार व्यू दिखाता हूँ जो आपने बहुत कम बार देखा होगा। कि अगर आप ये पहाड़ी देख रहे हो तो आपको फील होगा कि ये जो माउंटेन्स है इसमें से धुआं निकल रहा है। आप देख लीजिए, आपको जेन्युइन फील होगा कि पूरा जो धुआं है ये माउंटेन से निकल रहा है। सही है, ये रॉस बीच है जिसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है, और ये अपना वो इंडियन फ्लैग है जहाँ तक हम लोग को अभी पहुँचना है। अभी इसमें और एक बात, अगर यहाँ से पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने का। अगर ये देख रहे हो तो ये देखिए, पैरेलल लाइन में ये एक वॉरशिप है जो बहुत दूर है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, बट ये कल्पो ऊपर से ही इधर से आई थी। इधर से अगर इधर से ऐसा जाओगे ना तो इधर से चाटम आता है सीधा, अगर जाओगे तो इनका रास्ता ऐसा होते हुए, ये चाटम से ऐसा होते हुए रास्ता, ये भी इधर से ही ऐसा जाते हैं हर एक बोर्ड। तो चलो आगे चलते हैं। उधर से आप सोच रहे होंगे समंदर तो दिख रहा है, लहरें क्यों नहीं दिख रही है? तो मैं आपको लहरें अच्छी वाली दिखाऊंगा अभी। क्या यहाँ पे थोड़ा सा लहरें देखोगे तो फील होगा समंदर भी है, तो यहाँ पे लहरें आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट इंडियन फ्लैग के पास आ गए, नज़दीक जाने से व्यू नहीं मिलेगा इसलिए यहीं से ले रहा हूँ। इतना शान से ले रह रहा है, हवाएं मस्त चल रही है। ये फ्लैग आपको बहुत दूर से भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। चीज़ आपको बोल रहा था, ये देखो वो रास्ता है जो ऊपर चढ़ता है, जहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको पूरे हाउस मिलेंगे या फिर कुछ भी यहाँ से ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद मैंने फर्स्ट ये प्लेस ऐसा देखा है कि जो लेवल है आप यहाँ से चल सकते हो इजीली, आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है नहीं, वो भी बीच समंदर के किनारे। बट आप अंदर जाओगे तो आपको प्लेन रास्ता मिलेगा नहीं, आपको ऊपर नीचे ही मिलेंगे। एक ख़ास बात बोलना भूल गया, लगभग इंडिया इंडिपेंडेंस होने के लगभग 4 साल पहले अंडमान एंड निकोबार द्वीप इंडिपेंडेंट हो चुका है। 1943 में फर्स्ट इंडियन फ्लैग एट पोर्ट ब्लेयर में ही लहराया गया था। एक्चुअली जो व्यू है ना, मुझे जैसा दिख रहा है वैसे कैमरे में शूट हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि सनलाइट्स वगैरह की वजह से। लेकिन जेन्युइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा। आपको ये ऐसा देखने में शायद थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है,
बट आप जब आएंगे यहाँ पे फील करेंगे ना, तो आपको एक्चुअल यहाँ पे देखने को मिलेगा कि क्या कंडीशन है। ये इंडियन फ्लैग का बेस है, तो यहाँ से ऐसा ऊपर जाएंगे तो ये इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का यहाँ पे। इनके बारे में लिखा है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है, ये देख सकते हो 1943 फर्स्ट ट्रिकॉलर होस्टिंग इन इंडिया। कुछ ये जो कॉलम्स बनाए गए आई थिंक इस पे हर भाषा में जय हिंद लिखा गया है, हर भाषा में आप देख सकते हो। तो ये उन शहीद वीरों के लिए है जो कि इतिहास में उनका नाम नहीं आ पाया है, लेकिन उन्होंने भी मेहनत करी है। यहाँ पे लिखा गया है भारत की रक्षा एवं परिधान के बंधनों से मुक्त एवं शत्रुओं को पराजित करने वाले अज्ञात वीरों के लिए। अभी ये यहाँ पे जो है ना, इंडियन फ्लैग, ये चढ़ाई। यहाँ पे एक मंदिर भी है, साउथ पोर्ट ब्लेयर अंडमान। आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ मैं। ये है वो टेंपल, देखते हैं एंट्रेंस इधर ही होगा। पे कारीगरी, हॉर्सेस, ये मंदिर है, ये सटीक लग के बीच के पास है, अभी फिलहाल बंद है। ये कुछ लिखा है बट वो तमिल में है तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है।